अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा उसके कार्यों और शक्तियों के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और इसके अंतर्गत हमारी संसदीय शासन प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। जैसे यदि लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, या फिर गठबंधन दल का कोई निश्चित नेता न हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है। तो पॉइंट थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हमारी संसदीय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का या अपने स्वय विवेक का उपयोग कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण करना। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है, और प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि संविधान की सीमा में रहते हुए कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होगा। तो इस पॉइंट को दोबारा समझा देता हूँ कि अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री सर्वप्रथम मंत्री परिषद का निर्माण करता है, और प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि संविधान की सीमा के अंतर्गत कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री हो। विभागों का बंटवारा करना। तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने विवेक यानी अपनी इच्छा और बुद्धि के अनुसार विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, और बंटवारे के बाद वह जब चाहे तब उन मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। ये सब उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो दूसरा पॉइंट है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। तो प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, और बंटवारा करने के बाद वह जब चाहे तब उन मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा कार्य है मंत्री परिषद का कार्य संचालन। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के साथ साथ मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यवाही का संचालन करता है, और
मंत्रिमंडल की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री अपनी कार्य सूची या एजेंडे में शामिल करता है। तो तीसरा कार्य है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के साथ साथ मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यवाही का संचालन करता है और मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हीं विषयों पर या उन्हीं तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री अपनी कार्य सूची या एजेंडे में शामिल करता है। चौथा कार्य है विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। तो प्रधानमंत्री जो है वो शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय यानी एकता और तालमेल स्थापित करता है जिससे संपूर्ण शासन या संपूर्ण प्रशासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो चौथा कार्य है विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। तो देश का प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में मिलकर कार्य कर सके। पांचवा कार्य है लोकसभा का नेता। तो प्रधानमंत्री जो है वो संसद का यानी मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और उसे और वह कानून निर्माण के समस्त कार्य का नेतृत्व करता है। वार्षिक बजट सहित जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं वो प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो पांचवा कार्य या शक्ति है वो है लोकसभा का नेता। तो प्रधानमंत्री जो है वो संसद का यानी मुख्य रूप से लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य का नेतृत्व करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। अगला कार्य है राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में कार्य करना। तो देश का प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों से परिचित करवाता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। सातवां कार्य है विभिन्न पद प्रदान करना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को जिन जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति उन पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के परामर्श से ही नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री जिन जिन पदाधिकारियों के नाम नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति उन्हीं पदों पर उनको नियुक्त करता है। तो इस पॉइंट को दोबारा समझा देता हूँ, विभिन्न पद प्रदान करना। तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति उन पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के परामर्श से
या सलाह से ही नियुक्त करता है। अंतिम कार्य है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, यानी विभिन्न देशों के संबंध में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विदेश नीति का निर्धारण जो है वो अंतिम रूप से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, और वही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है। तो ये अंतिम पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई जाएगी उसका निर्धारण अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, और वही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है। अब इस पर एक पूरा निबंधात्मक प्रश्न हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा उसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए।